हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। और गाइस, काफ़ी टाइम पहले मैंने आपको इनकम टैक्स मंदिरी नाले पर जो रोड बनाने का काम चल रहा था उसकी अपडेट दिखाया था कि जो मंदिरी नाला है उस पर 2 लेन रोड बनाने का काम किया जा रहा है, और वो वीडियो मैं करीब 2 महीने पहले बनाया था। तो आज एक बार फिर से मैं आपको एक छोटी सी अपडेट दिखा देता हूँ कि काम अभी कितना आगे बढ़ा है और क्या कुछ चल रहा है अभी। वैसे आपको पहले वाले वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फुल अपडेट दिखाया हूँ मैं इस मंदिरी नाले के बारे में। वैसे अभी मैं बेली रोड बिहार म्यूज़ियम के पास हूँ और यहाँ जो लोहिया पद चक्र फेज 2 का काम चल रहा है उस पर भी वीडियो अभी एक दिन पहले ही मैं अपलोड किया हूँ, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइज, आज तो मौसम भी ख़राब हो रखा है। मेरे साथ पिछले कई दिनों से ऐसा हो रहा है कि जब भी मैं वीडियो शूट करने निकल रहा हूँ बारिश शुरू हो जा रही है। वैसे पटना में बारिश पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही है, ये तो ठीक है, बट यार आपको पता ही है कि दशहरा शुरू होने वाला है 25 सितंबर से, तो बस यार दशहरा ख़राब ना हो। ऑलरेडी पिछले 2 सालों से कोई फेस्टिवल सही से मना नहीं पा रहे हैं लोग, तो उम्मीद है कि इस बार तो जमकर लोग घरों से बाहर निकलेंगे और इन्जॉय भी करेंगे, तो बस ये बारिश ना हो उस टाइम। तो खैर गाइस, बात करूँ इस मंदिरी नाले की, तो आपको मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूँ। तो इस प्रोजेक्ट को पटना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बनाया जा रहा है, जो कि आगे इनकम टैक्स गोलम्बर से लेकर बांसघाट काली मंदिर तक बनाया जाएगा, जिसकी टोटल लेंथ 1289 मीटर की होगी और इसे बनाने में 67 करोड़ रुपये लगने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस नाले के आसपास कई घनी आबादी बसी हुई है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस नाले में वार्ड नंबर 21, 24, 25 और 27 का वेस्टेज वाटर आकर इसी नाले में गिरता है, और कभी कभी तो मरे हुए छोटे जानवरों को भी इसी में लाकर फेंक दिया जाता है। और गाइस, इतना ही नहीं, कई बार तो नाले में कई गाड़ियाँ भी गिर चुकी हैं, लेकिन जब इस नाले पर रोड बनाने का काम पूरा हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी यहाँ रहने वाले लोगों को। साथ ही बेली रोड से अशोक राजपथ को जोड़ने वाले इस सड़क के निर्माण से काफ़ी लाभ मिलने वाला है, और जाम की जो समस्या होती है अक्सर उसे भी छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए आगे कहाँ ये बन रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज, ये रहा सामने वो नाला, आप देख सकते हैं, इसी नाले की बात मैं कर रहा था। इधर सामने आपको इनकम टैक्स गोलम्बर दिख रहा होगा, लेकिन यार 2 मंथ पहले भी काम इतना ही पूरा हुआ था और अभी भी काम आगे नहीं बढ़ा है, आप देख सकते हैं। करीब 2 महीने बाद मैं ये सोचकर आया था कि कुछ नया देखने को मिलेगा यहाँ पर, बट यहाँ तो काम ही बंद पड़ा है। मतलब हद हो गई है यार, हर जगह काम रुका पड़ा है या फिर काफ़ी स्लो चल रहा है। पटना मेट्रो का भी वही हाल है, मीठापुर करबगैया फ्लाईओवर का काम भी बंद पड़ा है। तो अब पटना में ये हाल है तो बिहार के और हिस्सों में काम क्या चल रहा होगा। 1-2 महीने पहले तक तो काम अच्छा चल रहा था, पर इधर काम क्यों बंद पड़ा है या क्यों डिले हो रहा है ये तो पता नहीं। तो खैर, उम्मीद है कि फिर से काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा और बिहार सरकार भी इन चीज़ों पर ध्यान देंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।